संपूर्ण समाधान दिवस में कम पहुंचे फरियादी, किसी शिकायत का नहीं हुआ निस्तारण। पूर्व विधायक और सपा नेता ने चक मार्ग पर कब्जे को लेकर की शिकायत। फतेहाबाद समाधान दिवस में फरियादी पहुंचे कम, किसी भी शिकायत का मौके पर नहीं हुआ निस्तारण। तहसील फतेहाबाद के सभागार में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी प्रोटोकॉल हिमांशु गौतम के द्वारा की गई, जिसमें पूर्व विधायक विजय पाल सिंह ने शिकायत की। गाटर संख्या 1830, 1835, 1855, 1860, 1940 खाता खतौनी में चक मार्ग के नाम से दर्ज है, जिसको पड़ोसी काश्तकारों के द्वारा जोत कर अपने खेतों में मिला लिया है, जिससे ट्रैक्टर निकालने में परेशानी होती है। अंत चक मार्ग को खाली कराया जाए। वहीं जगराजपुर निवासी अनुज प्रताप यादव गांव के चक मार्ग पर अवैध कब्जा करने की शिकायत की। समाधान दिवस में मात्र 22 शिकायतें ही प्राप्त हुई, लेकिन किसी का भी निस्तारण नहीं हो सका। समाधान दिवस में तहसीलदार मनोज कुमार, खंड विकास अधिकारी फतेहाबाद, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत फतेहाबाद, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी फतेहाबाद कैलाश चंद, प्रभारी निरीक्षक डॉकी बहादुर सिंह आदि प्रमुख थे। फतेहाबाद से सुशील कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। नाम है आपका? जी, मेरा नाम मनोज प्रताप सिंह है। आज तहसील में किस संबंध को लेकर आज तहसील में? देखिए, ग्राम जगराजपुर में जो साधु चक रोड है, उनको आसपास के काश्तकारों ने जो कर अपने खेतों में ला लिया, उसको लेकर मैं माननीय एडीएम साहब से उसकी लिखित शिकायत करने तहसील आया हूँ। किस तरह का आश्वासन दिया गया? उन्होंने कहा है कि हम जल्द से जल्द क्षेत्रीय लेखपाल को मिलकर आपका निस्तारण कराएं। शिकायत कर चुके हैं, दो बार शिकायत करने दूसरी बार आया हूँ। पहली बार सर वैसे ही बोर्ड में रखा मुझे, लेकिन इस बार एसडीएम साहब से मुझे मौके शिकायत करने का भी मौका मिला।